में हमें 9th लेसन जो है प्रतापगढ़ मिक्स हिस्ट्री, इसका हाफ पार्ट हमने देख लिया था। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें आज इस वीडियो में देखना है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ तक आ चुके थे। द मीटिंग प्लेस, द माची ऑन प्रतापगढ़ वॉज चूजन एज द मीटिंग प्लेस। तो यहाँ पे जो अफजल खान एंड शिवाजी महाराज की जो मीटिंग होने वाली थी, इसकी प्लेस उन्होंने डिसाइड कर ली थी कहाँ पे, माची ऑन प्रतापगढ़। जो प्रतापगढ़ की माची थी वहाँ पे उनको क्या करना था, उनकी मीटिंग करनी थी। तो देखो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा है कि किस तरीके का किला दिख रहा है। देखो प्रतापगढ़ इस तरीके से किले होते थे, बड़े बड़े वैलीज के ऊपर, हिल्स के ऊपर ऐसे क्या होते थे, किले होते थे उस टाइम। तो देखिये नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे यहाँ पे अ डेट एंड टाइम वॉज फिक्स। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज एंड अफजल खान, इन्होंने क्या किया था, डेट एक दिन और उनका टाइम फिक्स कर लिया था। इट वॉज एग्रीड दैट ईच वन वुड बी अकम्पनीड बाय अ सर्वेंट एंड फॉलो बाय 10 बॉडीगार्ड्स एट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों तरफ से उन्होंने क्या किया था कि हम साथ में सिर्फ कुछ सर्वेंट को लेके आएंगे हमारे, एंड 10 बॉडीगार्ड्स साथ में लाएंगे, और वो भी कहाँ पे, थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े रहने वाले हैं, साथ में कोई लाएगा नहीं। अ स्पेशल रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द खान एंड अ बिग शामियाना पुट अप फॉर द मीटिंग। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने क्या किया कि अफजल खान को ऊपर आने के लिए एक स्पेशल रोड उनको बना दिया, जैसे कि उन्हें चाहिए था रोड बना दिया, और जहाँ पे मीटिंग होने वाली थी वहां पे एक शामियाना उन्होंने खड़ा कर दिया था। एवरी मूव ऑफ शिवाजी वॉज मार्क बाय ग्रेट कॉशन। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने जो डिसाइड किया था कि अफजल खान के साथ हमें मीटिंग करनी है, लेकिन हर एक स्टेप जो था उनका, हर एक मूव जो थी, ये पूरी तरीके से सोच समझ के वो कर रहे थे। ही डिवाइडेड हिज आर्मी इंटू स्मॉल यूनिट्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या की, जो भी उनकी आर्मी थी उसको स्मॉल यूनिट्स मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया। ईच यूनिट वॉज टोल्ड वेयर टू हाइड एंड वेन एंड हाउ टू एक्ट। तो हर एक जो उनका यूनिट था, हर एक ग्रुप को उन्होंने पहले से ही बोल के रखा था कि उनको कहाँ पे छुप के बैठना है एंड कब उनको और कौन सा एक्ट करना है, पूरी तरीके से समझा दिया था। ही टुक एवरी मेजर्स फॉर सेफ्टी एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस। तो यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने अपने सेफ्टी का ध्यान रखा था, अपने लोगों का ध्यान रखा था कि कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है जिसके कारण हमारे स्वराज्य को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। मेनी ऑफ हिज एडवाइजर ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम मीटिंग द खान। तो यहाँ पे उनके जो एडवाइजर थे उनके साथ उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की कि उन्हें अफजल खान के साथ मीटिंग नहीं करनी है। द खान्स वर्ड कुड नॉट बी ट्रस्टेड। तो अफजल खान ऐसा इंसान नहीं है कि उसके बातों पे विश्वास किया जा सके। बट शिवाजी ब्रश असाइड दिस एडवाइस एंड डिसाइडेड टू मीट द खान एज अरेंज। लेकिन शिवाजी महाराज ने यहाँ पे किसी की भी बात नहीं सुनी, उन्होंने सोच लिया था कि खान के साथ हमें मीटिंग करनी है, और मीटिंग के लिए उन्होंने सारी अरेंजमेंट कर दी थी। बिफोर द मीटिंग, तो मीटिंग में जाने से पहले उन्होंने क्या क्या किया ये हमें देखना है। ऑन द डे ऑफ द मीटिंग शिवाजी विजिटेड भवानी टेम्पल इन द मॉर्निंग एंड टू दर्शन। तो जिस दिन मीटिंग थी उस दिन जल्दी उठ के शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो माता भवानी का मंदिर था वहां पे सुबह सुबह गए और माता का दर्शन लिया। सून आफ्टर ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स। तो जैसे कोई सेरेमनी होती है, प्रोग्राम होती है, उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, कपड़े पहने। ही वोर हिज सलवार एंड अ कोट ऑफ मेल। तो कोट ऑफ मेल उन्होंने क्या किया, पहना। ओवर द कोट ऑफ मेल ही वोर अ कुर्ता एंड अ फ्लोइंग रोब। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो कोट ऑफ मेल था उसको पहले अंदर से पहन लिया, उसके ऊपर से उन्होंने अपना कुर्ता पहना और फ्लोइंग रोब जो होता है उसको मतलब पहन लिया। ऑन हिज हेड ही प्लेस्ड जिरेटोप। जिरेटोप क्या होता है, एक तरीके का हेलमेट होता है जिसे लोग क्या करते थे, जब युद्ध में लड़ाई के लिए जाते थे इसको पहन के जाते थे। एंड टाई अ मंडील अराउंड इट। तो जो शिवाजी महाराज थे वो जो हमेशा पहनते थे अपने सर के ऊपर जो मंडील थी, उन्होंने उसके ऊपर पहन लिया। ही फिटेड वागनक ऑन टू द फिंगर्स ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में क्या किया, वागनक जिसे बोलते हैं, अपने हाथों में पहन लिया। हिडन इन साइड द लेफ्ट स्लीव्स वाज ए बिछवा। और उन्होंने क्या किया, अपने लेफ्ट जो स्लीव्स थी, ड्रेस की जो स्लीव्स थी, उसके अंदर बिछवा मतलब एक चाकू की तरह होता है, उसको छुपा लिया था। एंड ही, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई दिए है, उसको देख लो पहले तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कोट ऑफ मेल इस तरीके का कोट रहता था जिसे लोग क्या करते थे, जब लड़ाई पे जाते थे ये लोग तो पहन के जाते थे। उसके बाद जीरे टोप उन्होंने पहना जिसे हेलमेट भी बोलते हैं हम लोग, तो इस तरीके का जीरे टोप अपने सर में उन्होंने पहन लिया, उसके ऊपर जो हमेशा का उनका रहता था जीरे टोप उसको पहना।
उसके बाद वाघनख इस तरीके के होता है, ये दिखता है, उसको अपने हाथ में उन्होंने पहन लिया। और बिचवा मतलब इस तरीके का एक चाकू होता है, एक टाइप का चाकू, इसको भी उन्होंने क्या किया था, अंदर छुपा लिया था। और ये दांडपट्टा, इसे बोलते हैं दांडपट्टा, ही कैरी द दांडपट्टा इन हिज हैंड। तो ये जो दांडपट्टा दिख रहा है ये उनके हाथ में था। ही वॉज नाउ रेडी टू फेस द खान, अभी वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे अब खान से मिलने।